नमस्ते साथियों, शिक्षक नियोजन रजिस्टर। साथियों, इस संबंध में आवश्यक जानकारी इस व्हाइट बोर्ड पर हमने अंकित कर ली है और यहीं से कक्षा एक और दो जो कि मिशन अंकुर के अंतर्गत विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए रजिस्टर तैयार करना है, जिसे कि शिक्षक नियोजन रजिस्टर नाम दिया गया है। तो साथियों, हम इस रजिस्टर को किस प्रकार से तैयार करना है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नियोजन शब्द का क्या आशय है। यदि हम इसका सरल अर्थ देखें तो सरल अर्थ यह है कि योजना तैयार करना, यानी अध्यापन से संबंधित योजना बनाना। साथियों, यदि नियोजन शब्द के गुण अर्थ पर हम जाए तो इसका काफी विस्तृत अर्थ है, और यदि हम सामान्य रूप से देखें तो नियोजन का आशय यह होता है कि भूतकाल में यानी पूर्व में जो हमने क्रियाकलाप गतिविधियां की हैं और वर्तमान की जो गतिविधियां हैं, उन सबको देखते हुए भविष्य के लिए हम इस तरह से कार्यक्रम तैयार करें, निर्धारित करें, ताकि उसका अपेक्षित परिणाम हमें प्राप्त हो सके। ये होता है नियोजन। और साथियों, शिक्षक नियोजन रजिस्टर के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, शिक्षक साथी अपने अनुसार इसे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो खंड दिए साथियों, बहुत कम खंड है, केवल 4 ही खंड है, और क्रमांक को ले ले तो कुल 5 खंड है, ताकि हमको कम से कम लिखने की आवश्यकता होगी और सारी जानकारियां सारगर्भित रूप से हम अंकित कर सकते हैं। साथियों, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी अलग अलग तरीके से शिक्षक नियोजन रजिस्टर तैयार करते हैं, और आप भी अपने तरीके से यह रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई बंधन नहीं है कि आपको इस तरह से तैयार करना है, केवल एक सुझाव के बतौर मैं यह जानकारी आप तक प्रेषित कर रहा हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करें खंडों की, तो यहाँ पर देखिएगा जो कालम हमने तैयार किए हैं, तो पहला है क्रमांक, दूसरा है दिनांक व दिन, तीसरा है विगत दिवस पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु, चौथा खंड है आज दिवस को जिस पर चर्चा या अध्यापन होना है, और पांचवा है आवश्यक सामग्री या TLM। ठीक है, तो साथियों, ये केवल 5 खंड हैं, और इन 5 खंडों में जो रजिस्टर तैयार करना है उसके लिए आपको मदद लेनी होगी। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये शिक्षक संदर्शिका है, अंकुर शिक्षक संदर्शिका, इसका प्रयोग करना है आपको। और साथ ही यहां पर आप देख पा रहे हैं ये निपुण भारत के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से आपको, या इनसे ही देख करके अध्ययन करके आपको ये रजिस्टर तैयार कर लेना है। साथियों, वैसे तो हमें ज्यादा कुछ तैयार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसी शिक्षक मार्गदर्शिका में सब कुछ दिया हुआ है। यदि आप इसे गहराई से अध्ययन करें और देखें तो आपको सब कुछ यही मिलेगा। किंतु बहुत संक्षेप में, यदि आप शिक्षक नियोजन रजिस्टर तैयार करना चाहते हैं, अपने अधिकारियों को या जो भी मॉनिटरिंग के लिए आते हैं उनको बताना चाहते हैं कि हमने क्या कार्य किया है, तो इस तरीके से आप अपना शिक्षक नियोजन रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो 5 खंड हैं, तो इसमें अब इनको भरना कैसे है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्रमांक आ जाएगा, इसके पश्चात दिनांक एवं दिन। तो साथियों, जिस भी तिथि को आप अध्यापन कराने वाले हैं, ठीक है, तो उस तिथि को लिख लीजिएगा और उसका दिन। इसके पश्चात विगत दिवस पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु, आज के लिए जो योजना आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो कल आपने क्या पढ़ाया था उसके बारे में संक्षेप में यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, संक्षेप में लिख लेंगे, और आज जो कुछ पढ़ाना है उसके बारे में यहां लिख लेंगे, और उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी यहां लिख लेंगे। तो जैसे कि यहां पर देखिएगा, मैंने जो तैयारी की है साथियों, ये अंकुर अभ्यास पुस्तिका है, इसमें जो दिवस एक और दिवस दो से संबंधित जो जानकारी यहां पर अंकित है उसी के बारे में तैयार किया है। तो साथियों, जो ये नियोजन है, कहना चाहिए योजना जो है, ये दिवस दो के लिए हमने तैयार की है। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले हमने यहां तिथि तो लिखी नहीं है, दिन भर लिख दिया है। ठीक है, तो जिस भी तिथि को आप जिस भी दिवस की गतिविधि को कराना चाहते हैं, अध्यापन कराना चाहते हैं, तो वो तिथि यहां पर अंकित कर ले। इसके पश्चात देखिएगा, यहां पर विगत दिवस पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु, यहां पर साथियों ये जो दिया गया है, ये जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसमें दिवस एक में जो कुछ भी यहां पर दिया गया है, ठीक है, जो कि हमने कल पढ़ा है, मान लीजिए हमने कल पढ़ा दिया है, विगत दिवस पढ़ा दिया है, तो
इसमें जो जो पढ़ाया है उसके बारे में यहां संक्षेप में लिख देंगे। तो सबसे पहले परिवार के चित्र पर चर्चा, यहां पर परिवार का चित्र दिया गया है, इस पर हमने चर्चा करी थी तो हमने लिख दिया चर्चा। दूसरा है कागज मोड़ना सीखे, यहां पर दिया देखिए बच्चों को हमने पहले दिन कैसे कहा था केवल कागज मोड़ना कि कागज को कैसे मोड़ते हैं भाई, एक तह करना फिर दूसरी तह करना, इस प्रकार हमने सिखाया था ये। और तीसरा है ध्वनि जागरूकता, तो ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत हमने पीली पतीली पतीला पीला ये बोलना बच्चों को सिखाया था, ये हमने अंकित कर लिया। और फिर पेंसिल चलाना व रंग भरना, यहाँ पर आगे जो गतिविधि दी गई है तो ये जो डॉट डॉट दिए गए हैं डॉट डॉट पर हमने बच्चों को क्या सिखाया था, पेंसिल चलाना सिखाया था और इनमें रंग भरना सिखाया था। तो ये विगत दिवस की हमारी गतिविधि होगी। अब हमको आज क्या कराना है साथियों, ये लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है अभी मैं बताऊंगा कि विगत दिवस की गतिविधि हमको या जो पढ़ाएंगे पाठ्य वस्तु को क्यों लिखना चाहिए आगे हम चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि आज दिवस को जिस पर चर्चा या अध्यापन होना है उसके बारे में हमको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिवस दो, तो दिवस दो में यहाँ पर इस अभ्यासिका में सब कुछ दिया हुआ है। तो साथियों यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि परिवार के चित्र पर पुनः चर्चा, यहाँ पर दिया हुआ है कि परिवार के चित्र पर हमको फिर से चर्चा करनी है, एक बार दोहराव करना है, वही हमने लिख दिया। दूसरा है ध्वनि जागरूकता, ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत हमको क्या बोलना है, पक्का पपीता पक्कर टूटा ये बच्चों को बोल करके सिखाना है, ठीक है। उसमें जैसा कि आपको ज्ञात है कि आई डू, ठीक है, वी डू और यू डू, इस प्रकार की जो गतिविधि करना चाहिए वो ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत होगी। फिर आगे क्या है, कागज मोड़ने की दक्षता को आगे बढ़ाते हुए हवाई जहाज बनाना सिखाना, हमने पहले दिवस क्या सिखाया था बच्चों को, केवल कागज मोड़ना, ठीक है, कागज को कैसे मोड़ते हैं, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें क्या करना है, हवाई जहाज बनाना सिखाना है, क्योंकि यहां पर उस संबंध में जानकारी दी गई है, ठीक है। फिर आगे है अंगुली संचालन, अंगुली संचालन में मिट्टी की गोलियां बनाना, अब साथियों यहां पर दिया हुआ है ये मिट्टी की गोलियां तैयार करवाना है ताकि बच्चों की अंगुली का सजन अच्छे से हो सके, बच्चे ये बना सके, ठीक है। तो ये हो गया। और अगला क्या है, पेंसिल चलाना व आकृति में रंग भरना, आगे इसके लिए भी यहां पर जगह दी गई है। और ये जो डॉट डॉट दिए गए हैं डॉट डॉट पर हमको पेंसिल चलवाना है, उसके बाद में रंग भरवाना है। तो इतना क्रियाकलाप दिवस दो के लिए हो जाएगा, ठीक है साथियों। और ऐसा नहीं कि इसी से तैयार करना है हमको, यहाँ पर जो शिक्षक संदर्भिका दी गई है इस शिक्षक संदर्भिका में भी आपको देखना है। और साथियों यहाँ से देखने की आवश्यकता क्यों होगी, तो यहाँ देखिएगा आवश्यक सामग्री है टीएलएम के अंतर्गत, हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी यानी भाषा भारती की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो गतिविधियाँ दी गई है उसके लिए हमको पाठ्य पुस्तक की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें लेखन पूर्व अभ्यास के लिए भी कहा गया है इसलिए इसकी आवश्यकता होगी। फिर अंकुर वर्कबुक की आवश्यकता होगी जैसा कि हमने अभी देखा, फिर गीली मिट्टी की आवश्यकता होगी, फिर सफेद कागज जो चौकोर वाला है उसकी आवश्यकता होगी, फिर रंग की आवश्यकता होगी, पेंसिल की आवश्यकता होगी। तो ये आवश्यक सामग्री टीएलएम जो हमको लगेंगे उसके बारे में भी लिख देंगे। तो साथियों यहाँ पर पूरा पूरा नहीं दिया गया है, हमको ये देखना कि इतनी चीज पढ़ाने के लिए हमको किस किस चीज की आवश्यकता होगी, उनको यहाँ पर अंकित करना होगा। अब साथियों यहाँ पर विगत दिवस पढ़ाए गए पाठ्य वस्तु और आज दिवस को जिस पर चर्चा या अध्यापन होना है उससे संबंधित पाठ्य वस्तु को अंकित करने के पीछे उद्देश्य ये है कि उदाहरण के लिए कल जो कुछ भी आपने दिया गया दिवस है, दिए गए दिवस में जो गतिविधियां नहीं कराई है, ठीक है, जो शेष रह गई है आपको मिलान करना होगा किससे, ये जो शिक्षक संदर्भिका है या ये जो अभ्यासिका है इससे मिलान करना है कि जो दिवसों को दी गई गतिविधियां हैं वो आपने करवाई हैं या नहीं करवाई हैं। यदि आपने करवाई होगी तो यहाँ जरूर लिखते हैं, ठीक है, यदि यहाँ नहीं लिखा है तो हम उसको आज दिवस को फिर दोहरा सकते हैं, करवा सकते हैं, इसके लिए इस हेतु ही ये दोनों खंड बनाए गए हैं। तो साथियों ये जानकारी थी शिक्षक नियोजन रजिस्टर के बारे में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि साथियों आवश्यक नहीं कि आप ऐसा ही रजिस्टर तैयार करें, यदि आप अधिक खंड बनाना चाहते हैं, अपने तरीके से शिक्षक नियोजन तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, केवल उदाहरण के तौर पर मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि साथियों ये बहुत सरल है और कम से कम लिखने की इसमें भी आवश्यकता है। तो साथियों आज के इस कालखंड के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।